वेलकम टू दर्शक क्लासेस। अपने बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है ना, और दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है पहले, और यूनिट सेकंड चल रही है अभी, तो उसमें दो क्लासें हो चुकी हैं। उसमें मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, कुछ फॉर्मूले हैं वो याद करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो उसमें और एग्जाम्पल करते हैं ना। तीन तो अपने कर ली थी पहले, अब फोर नंबर देखो। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको दो, एक तो पोलर फॉर्म में, एक कार्तीय फॉर्म में, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब देखो इसमें दीर्घवृत्त समीकरण दे रखा पहले, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। अब देखो दीर्घवृत्त के किसी बिंदु ए कोस थीटा बी साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब समीकरण निकालेंगे पहले इसका, तो x अपॉन ए कोस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू वन, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, एल से मिलकर करेंगे तो क्या आएगा, देखो b इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और a ये y के पास जाएगा, तो बी एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए बी आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू देखो बी एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, ये समीकरण बन गया इसका, ठीक है। अब आगे देखो P इक्वल टू मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंबिक दूरी, ठीक है, यहां से ये होएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, ए बी अपॉन में रूट में देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां से ये होएगा। अब देखो वन अपॉन पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो इसका, तो ए बी तो नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो अपने को पता है आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, देखो वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से लिख सकते हैं अपन इसको। इसको और सोल्व करो, देखो और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, भाई ये ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बी स्क्वायर दोनों प्लस के आ गए, माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस ही ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, ये दोनों प्लस में आएंगे, ये तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था पहले, वो वहां से क्या आ जाएगा, ये इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई में अपॉन में पी स्क्वायर, इससे पहले वाले इक्वेशन से, ठीक है। ये इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, रख दो इसको सिंपल, तो क्या आएगा देखो वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मैंने बताया था अभी, तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में आ गया ये सिंपल सा, तो ये क्या आ जाएगा इसका, ये पदिक समीकरण आ जाएगा। बस ये वैल्यू रखनी है अपने को भाई, वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आर स्क्वायर इधर से जाएगा तो नीचे आ जाएगा ये, तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पदिक समीकरण आ गया। क्या होता है, पी और एक्स आर में रिलेशन होता है इसमें, तो यहाँ पे आर है और ये पी रहा, तो ये क्या हो गया इसका, ये पदिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फाइव नंबर देखो, आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात करो। अब ये देखो राजस्थान नेस्ट 2003 में पूछा हुआ है, अजमेर बोर्ड में भी 2004, 6, 5, 9, कोटा में पूछा हुआ है 6 और 8 में, ठीक है, जोधपुर में भी 8 में, उदयपुर में 13 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब देखो सिंपल सा हो जाएगा, ये पोलर फॉर्म में दे रखा है, ये करो देखो इसको। दी हुई वक्र की समीकरण क्या हो गई, देखो आर इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, ये सिंपल सा रख दिया पहले, ठीक है। अब देखो डी आर बाय डी थीटा निकालो पहले, थीटा के सापेक्ष करो इसको, तो ए तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा यहाँ से, इधर मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, प्लस में ए साइन थीटा रख दिया ये। अब देखो आगे, और ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका पदिक समीकरण का, ये मैंने बताया था आपको,
तो वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, रख दो वैल्यू। तो वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा, था ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिया। अब देखो और सोल्व कर लो इसको, वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 ए स्क्वायर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कहां से आ गया? साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वहां से इसको रख दिया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे, और वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 ए स्क्वायर वन माइनस आर बाई ए, ये वैल्यू रख दो यहां से, तो वन माइनस आर बाई ए। अब इसको खोल खोल देखो इसको और सिंपल करो, तो वन अपॉन आर स्क्वायर तो ऐसे रहेगा प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ऊपर है तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई आर की पावर 4। अब देखो इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? देखो वन प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू आर अपॉन ए, तो ये देखो यहाँ रख दिया, टू आर अपॉन ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वन से वन कट ही जाएगा, ये सीधा सा, ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसको और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखो ये एक आर से एक आर कटेगा, ये एक ए से एक कटेगा, तो टू ए अपॉन आर क्यूब आ गया, ये सिंपल। देखो माइनस ये आर की पावर 4 ये स्क्वायर, तो नीचे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर। इनको और सोल्व करो, तो वन प्लस आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया, तो क्या बच गया? टू ए अपॉन आर क्यूब। अब सिंपल से कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, अभी आपके सामने देखो सबको हो गया ना सिंपल, तो क्या आ गया? टू ए अपॉन आर क्यूब वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर क्या आ जाएगा? उल्टा कर दो इसका, इक्वल टू क्या है? वन अपॉन पी स्क्वायर है ना ये, तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर क्यूब अपॉन टू ए, तो क्या आ जाएगा? ये समीकरण आ गया, पदिक समीकरण, सिंपल सा। अब देखो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना ये सिंपल से, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले याद रखो, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ना, सिर्फ कैलकुलेशन है, वो अपन कर ही सकते हैं आराम से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके काटना, ये सब हो ही सकता है आराम से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो इसका, सिक्स नंबर एग्जाम्पल देखो। दीर्घवृत्त दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा, ई क्या है? लेस देन वन है, का पदिक समीकरण होगा, ठीक है, ये निकालना अपने को। तो ये क्या होगा? देखो वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल स्क्वायर टू एल अपॉन आर माइनस वन प्लस ई स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। पहले प्रूव करना अपने को, ये दे रखा है पहले आंसर इसका ना, ये देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2006 में आया हुआ है, 9 में आया हुआ है और 12 में भी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको सही से समझते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले दिया हुआ समीकरण है एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा, ई की वैल्यू क्या है? लेस देन वन है, ये पता है अपने को। अब देखो दोनों साइड लघुगणक लेने पर, दोनों साइड लॉग लेंगे अपन, तो क्या बनेगा? देखो लॉग आर माइनस लॉग लॉग एल माइनस लॉग आर, ये अपने को पता है ना, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी, ये पता है अपने को, यही फॉर्मूला लगाया देखो यहाँ पे, लॉग एल माइनस लॉग आर इक्वल टू, ये पूरा लॉग में आ जाएगा, लॉग वन प्लस ई कोस थीटा, सिंपल सा। अब देखो दोनों पक्षों को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो देखो क्या आएगा? माइनस वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा अपॉन वन प्लस ई कोस थीटा। अब ये सिंपल भाई अवकलन तो कर सकते हैं ना अपन भाई, ये इसका तो अवकलन करना है, तो ये यहाँ तो कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, ये वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा, इधर से इसका वन अपॉन ई कोस थीटा, इधर से कोस करेंगे तो साइन आएगा, सिंपल सा ही तो कर ही सकते हैं अपन, है ना। तो ये सिंपल सा डायरेक्ट इसने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा अपॉन में वन प्लस ई कोस थीटा। अब देखो डी आर बाई डी थीटा रखो वैल्यू, तो क्या आएगा? देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, वन अपॉन टेन फाई इक्वल टू क्या आएगा? देखो अब ये वैल्यू पता है अपने को, माइनस वन अपॉन आर टेन डी आर बाई डी थीटा क्या होती है? टेन फाई होता है, ठीक है, तो इक्वल टू देखो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, दोनों साइड से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? टेन फाई की, ये आर ऊपर में टेन फाई होता है ना, तो वन अपॉन में टेन फाई आ गया, तो अपॉन में ये आर नीचे है ना, तो इसलिए क्या आ गया? नीचे आ गया, ये अगर ऊपर मल्टीप्लाई में होता तो टेन फाइव हो जाता, तो
तो 1/10 फाई इक्वल टू क्या आएगा, देखो ई साइन थीटा 1+ई cos थीटा, सिंपल सा ठीक है। कैलकुलेशन लग रही, देखो कुछ भी नहीं है इसमें। और आगे देखो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका 1/P² = 1/R² + 1/R⁴ dr/dθ का होल स्क्वायर। आगे देखो 1/R² 1+, अब रख दो dr बाई वैल्यू रख दो इसकी, 1 × 1/R × dr/dθ का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, सिंपल रखो। और तो 1/R² 1+ क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या होता है टेन थीटा, तो 1+10 थीटा कोट थीटा जाएगा ना ये, तो 1+cot θ cot² φ। ये किसकी वैल्यू है भाई, ये भी अपन ने बताया ना अभी, 1/R dr/dθ, ये किसकी वैल्यू है, 1/10 φ की। और 10 φ क्या हो जाएगा उल्टा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot φ, इसकी वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ पे, तो क्या आएगा 1+cot² φ, और 1+cot² φ क्या हो जाएगा, cosec²। तो इसके देखो तो 1/R 1+e² sin²θ 1+e cos θ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया अपन दोनों साइड में भाई, टेन को उल्टा कर दिया ना ये, तो यहाँ से आ जाएगा ये, स्क्वायर कर दिया। अब देखो तो 1/P² तो 1/R² 1+e² इसको कर दो, 1+e² + 2e cos θ, और 1+e cos θ का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, सिंपल सा ठीक है। रख दो सेकंड इक्वेशन आ गई है। आगे देखो तो L/R क्या है, 1+e cos θ, इसको कैसे कर सकते हैं, ई कोस थीटा क्या हो जाएगा, L/R-1 ठीक है भाई। यहाँ से दे रखा L/R = क्या है, 1+e cos θ, तो ई कोस थीटा क्या आ जाएगी, L/R-1, ये रख दो वैल्यू ई कोस थीटा की। तो देखो अतः सेकंड एंड थर्ड में थीटा का विलोपन करने पर थीटा की वैल्यू उठा दो यहाँ से, देखो तो 1/P² = 1/R² ई कोस थीटा से क्या रखना अपने को, L/R-1, तो 1+e² + 2L/R-1 में L/R का स्क्वायर, ये बताया था मैंने अब ठीक है भाई, 1+e cos θ था ना नीचे में, इसका स्क्वायर था, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 1+L/R-1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, L/R तो बचेगा ये, सिंपल सा। तो इसका स्क्वायर कर दो, और सिंपल करो इसको, तो 1/L², क्योंकि देखो ये आर स्क्वायर तो कट जाएगा इससे, तो अपॉन में एल स्क्वायर बचेगा, 1/L² आ गया ये, इसको करो और 2L/R इधर मल्टीप्लाई किया, ये 1 से ये प्लस का, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ पे भाई, प्लस का 1 तो ये है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1+e², तो ऐसे कैसे रह जाएगा ये, सिंपल सा। देखो ये तो है बस, ये प्रूव करना था अपने को क्वेश्चन में, यही तो प्रूव करना था भाई इसको, सिर्फ क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। L/R यहाँ से R² से R² कटेगा, L का स्क्वायर है, तो ये 1/L² बाहर आ गया ठीक है। 1+e², अब देखो प्लस का 2 है ये, माइनस का 1 है, तो 2 × -2, 2 × 1 -1 करेगा तो -2, और प्लस का 1 तो क्या आएगा, -1, ये -1 आ गया यहाँ पे, ये ई स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, और ये 2L/R ये आ गया, सिंपल ये हो गया सिंपल सा। तो सारे क्वेश्चन हो गए इसके सिंपल से, देखो एग्जाम्पल मैंने करवा दिए इसके, 6 एग्जाम्पल हो गए, और 6 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, और सारे इसी में फॉर्मूले बेस्ड हैं, कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है इसमें ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लो कुछ इसके, है ना, उससे अपन को पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है ना। देखो निम्न वक्रों के लिए फाई का मान ज्ञात के, मतलब 10 φ 10 φ मैंने बताया दिया आपको, R dr/dθ ये इसकी वैल्यू आ गई, तो फाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में आ जाएगा ये R dr/dθ, यहाँ से ये फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको, इसलिए तो बताया ये। अब सारे इसी पे डिपेंड है सारे क्वेश्चन, ये सारे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये देखो 4 पार्ट दे रखे इसमें, L/R 1+cos θ दे रखा है, 2A/R, ये सब R में दे रखे हैं ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करके ये निकल जाएंगे ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सिंपल से, है ना। और देखो क्वेश्चन क्या है इसमें अब ये देखो सिद्ध कीजिए कि R = A1 - cos θ के लिए फाई क्या है, θ/2, ये अपने निकाल लिया पहले, करवा दिया मैंने क्वेश्चन ये, फिर फाई क्या आ जाएगा, θ/2, और 2AP² = क्या, अपेक्षित समीकरण क्या आएगा, 2AP² =
आर क्यूब, ये भी मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्पल आर क्यूब बाई 2a, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है ना, तो वही क्वेश्चन दे रखा है। देखो सेम ये जोधपुर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सारे कोटा में 2006, 2008, उदयपुर में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करना ट्राई, और नहीं आए तो अपन कर लेंगे सोल्व इसको, ठीक है। और देखो थर्ड नंबर, देखो 2a पर वाला दे रखा, 2a अपॉन आर 1 माइनस cos थीटा, मैं क्या कर रखा, देखो फाइव क्या है, पाई माइनस थीटा बाई 2, और पी इक्वल क्या है, ए कोसेक थीटा बाई 2, और पदिक समीकरण क्या आ रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए आर, तो ये सारे अपन सोल्व करेंगे अलग अलग फॉर्मूले लगा के, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, करना ट्राई है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ये। फोर्थ नंबर भी हो जाएगा, देखो कार्तिकीय वक्रों का क्या निकालना है, पदिक समीकरण निकालना है, ये दे रखा है वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ही है, ठीक है, ये हाइपरबोला का दे रखा है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनसे निकाल लेंगे डायरेक्ट, फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू इनकी, पदिक समीकरण आ जाएगा अपना, ठीक है, सिंपल सा। ये फिफ्थ नंबर, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, ध्रुवीय वक्र में दे रखा है, इसका दूसरा फॉर्मूला है पी स्क्वायर का, वहां से निकल जाएगा ये सारी इक्वेशन दे रखी है, ये DEF ये क्षेत्र दे रखा है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो मन कर लेंगे फिर इसको, ठीक है ना, पहले इसको ट्राई करना। ये सिक्स नंबर देखो, सेवन एट, ठीक है, नाइन, ये क्वेश्चन सारे करना ट्राई है ना, नाइन क्वेश्चन है इसमें, तो अपन करेंगे तो ये हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, सारे फॉर्मूले पर याद कर लेना, सारे पहले फॉर्मूले याद करना, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी 3b भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, क्वेश्चन करना इसके, जो नहीं आएगा वो अपन बता देंगे बाद में, ठीक है। तो पहले इसके सारे क्वेश्चन करना, सबसे पहले फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने बाद एग्जाम्पल देखने क्या क्या करवा रखा है, उस हिसाब से फिर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके।